अरे मीटिंग का वक्त हो चुका है, चल आगे, अब जल्दी से चलना होगा। हाँ भैया चलिए तो फिर यार चलते। मैं भी ये लड़ाई झगड़े से तंग आ चुका हूँ, अब इस मामले को सुलझा देते हैं। कॉकरोच रोग को आखिरकार अपना घर मिल गया, और हमारे पास अपना घर है तो बंटवारा कर लेते हैं, बाकी काम खत्म। हाँ भैया इसीलिए तो मीटिंग है ना, चलिए यार उधर ही जाके बात करते, हमने सामने बात करेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगी। अब सॉल्व करने जैसे बाकी चीज रहा भी क्या है, अब उनका जितना भी सामान है हमारे घर में वो सब लेके जाएंगे अपने घर। कॉकरोचो है तो सामान लेके आए क्या? है हम कुछ भी नहीं लेके आए, तुम्हारा सामान तुम खुद ही चूज करके ले जाओ। ये पिक्चर ठीक है, हम अपने सामान खुद ही लेके जाएंगे। हाँ वैसे भी यहाँ बचा भी क्या है, तुम लोग को जाना ये कॉकरोचो। तू कैसे बैगी बैगी बात कर रहा है, बोला इनको क्या घर में रखना है क्या तेरे को? अरे हमें भी बैठना नहीं है उस घर में, बोला ना। ये बाबर बिल्कुल, चल रहे जल्दी से अपने सामान दे दे हमको, हम चलेंगे यार। हे तो आ जाओ कॉकरोचो, अपने सामान को लेके जाओ। आओगी यार तू, आपसे ऐसी बात मत कर, ओए इन लोग को खुद का घर मिल चुका है, ये लोग बड़े आदमी बन चुके हैं, तो यार तुझे क्या पड़ी है? या बाबर किसने बोला हम बड़े आदमी बन चुके हैं, चलो अंदर घुसो रे। हाँ अपने घर में पहले खुद ही जाओ, और हमने घर ले लिया क्या तो हम क्या बड़े आदमी बन गए क्या? हे कॉकरोचो वैसे भी मुझे अब आखिरी दिन में झगड़ा नहीं करने का है, तुम लोग को जो भी सामान चाहिए तुम लोग ले जा सकते हो। ओए क्या ले जा सकते हो, क्या बोल रहा है तू? ओए तुम्हारा जितना भी बंटवारे में हिस्सा होना उतना ही लेके जाना, बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। अरे एक ना ज्यादा एक ना कम लेंगे, अपना जितना सामान है उतना ही लेंगे, सबसे पहले फ्रिज से खाना ले लेते हैं मोटे। या बिल्कुल रे, तो ये सभी बंटवारे में आएगा। हाँ तुम लोग आधा सामान ले जा सकते हो। क्या बाबा रे, तो चल आधा कर देते हैं इसको। हाँ तो चलो यार इधर से ही शुरुआत करते, पहले ये रॉ ले लेते, आधा आधा करके सब कुछ ले लेते। आए तो इतना हमारे भाग में बचा है, चलो ठीक है अब ऊपर क्या है? ओए कुफुर। या बाबा रे, तो चलो इधर से भी अपना हिस्सा ले लेते। ओके तो यार किचन का सामान हो गया तुम लोग के लिए, यार बचा क्या इन लोग का? हे भैया बहुत सारी चीजें बचे हैं, ये भी ले जा सकते हो, सीड्स है इधर फार्मिंग करने के लिए सामान है। अरे फार्मिंग करने के लिए तो चलो ये भी ले लेते हैं। फार्मिंग करना आता नहीं है, क्या करोगे लेके भी? अरे सीख जाएंगे हम लोग। ये बिल्कुल रे, तेरे को क्या रे? अरे भैया आप छोड़िए ना, झगड़ा क्यों करना है आपको? ये बिल्कुल रे, ये होगी बहुत सही है, लेकिन ये चक्की इसकी तो, ओए क्या करेगा तेरी तो कॉकरोच। चलिए ओए अपने आप कमरे से जो कुछ भी सामान ले जाओ। अरे एक एक सामान लेंगे, ये बिलबोर्ड भी लेके जाएंगे। ये चल रहे इसको भी उठा के ले चलते है। ठीक है कॉकरोच तुम लोग को जो भी चाहिए ना ले जा सकते हो। अरे ये मेरे हाथ में आ गया, चलो यार ले जाओ इसको भी, ऐसा कवार चाहिए भी नहीं। अरे तू यार सच में बोल रहा हूँ चेकी, मुंह मत चलाइयो, बस हमें अपने काम करने दे, अगर चाहते तो हम एक एक पूरा सामान का हिसाब करते हैं। ये बिल्कुल रे, लेकिन हम बस होगी के लिए ये सभी छोड़ के जा रहे, बाकी अपने ही सामान लेके जा रहे। अरे यार कॉकरोचो झगड़ा बंद करो ये सभी यार, चलो उठा के मैं तुम्हारे घर में पहुंचा दूंगा बाद में, इन सभी को उठा लो। यार थैंक यू रे ओगी, ओए तुझे बहुत मदद कर दी है ओगी। अरे भैया यार छोड़िए ना इन बातों को, चलो यार ये सब को रख लो कॉकरोचो। क्या बाप रे, अभी हमारा पूरा का पूरा ये यार पैक पैक हो चुका है, तुम लोग थोड़ी सी सामान रख दो। ओके तो ठीक है, ये सभी सामान उठाने में तुम्हारा हम मदद कर देंगे। होगी तुझे तो दुश्मन लोगों का मदद करने में बहुत मजा आती ना। अरे भैया यार ये लोग जा रहे घर छोड़ के, हम तो आप चुप बैठे ना। हाँ चल तू कह जा तो मैं चुप ही बैठ लेता हूँ, अब पूरा सामान खत्म हो गया ना। हे यार एक सामान बचा है। अरे कौन सी सामान, अब बस बहुत हो गया, हमें सब कुछ मिल चुका है ना। अरे ऐसी बात नहीं है, ये हम सभी का घर हुआ करता था, तो कॉकरोच कहेंगे अगर तुम लोग घर छोड़ के जा रहे हो तो यार अमानत भी तुम्हारा और हमारा बराबरी होना चाहिए। हमने अभी भी जितना भी माइनिंग किया है ना वो सभी सामान इन दो चेस्ट में पड़ी है, मतलब कि बैरल्स में। ओए इतने सारे सामान, इनका बंटवारा करना क्या होगी? अरे यार हमें लेना नहीं है, चलो यार रखो इन सभी को तुम लोग ही। या बिल्कुल रे, ये तुम्हारी अमानत है। अरे यार वो तो हमारी अमानत है, लेकिन दूसरे बैरल में जो भी सामान है ना वो सभी मैंने तुम लोगों के लिए रखा है, तुम लोग इस सभी को ले जाओ। और यार तुम नए घर का शुरुआत कर रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, उसके लिए दे रहा हूँ कॉकरोचो। ये पगले रू लाएगा क्या अभी होगी, मुझे इमोशनल इमोशनल खेलना नहीं है। हाँ यार चाहिए नहीं यार होगी, तू रख ले खुद का सामान है तेरा।
है, मैंने बोला ना रख लो तो रख लो। वैसे भी ओगी ने बोल दिया ना, तुम लोग अब अकेले घर में रहने वाले हो तो इन सभी का जरूरत पड़ सकती है, रख लो। ओके तो चलो अब ठीक है, अब कॉकरोच हो तुम्हारा ये बाकी का सामान हम पहुंचा देंगे तुम्हारा घर में। रुक जा थोड़ी सी, एक सेकंड रे, सुसु लग रही है। हाँ हम सुसु करके आते हैं। हे यार ऐसे वक्त में कौन सुसु करने के लिए जाता है, ओए बाहर तो बारिश शुरू हो गई होगी। और चल यार, वैसे तो बोला मैंने इतना बोल दिया लेकिन कॉकरोच का बहुत याद आएगी यार। हाँ भैया मुझे भी पता था, हाँ बस यार, अरे आ गए कॉकरोच। अरे तो चलो यार चलते आप यार हमारे घर में। चलो रे तुम लोग को भी इनवाइट है हमारे घर में। तो चलो आपको इससे एडवाइट नहीं होने का, अब चलो अपने घर चलते हैं। अरे यार अपने मत बोलो, तुम्हारे घर है हमारा नहीं। बाप रे मैं बोल रहा हूँ अपना, मतलब कि लब्बू और मेरा। ओके ओके ठीक है कॉकरोचो, अब ये बाकी का सामान किधर रख दे। अरे ऊपर चलना यार, ऊपर बेडरूम में रख लेते, तुझे भी यार कहीं हम इधर से भेजेंगे क्या। ये बिल्कुल रे हमारे घर में ऊपर चलियो, बिल्कुल सेफ टू सेफ हमारा घर जैसा है। ओए थोड़ा सा बेड अलग सा लग रहा है, ओए चल कोई बात नहीं, तो इधर तुम्हारे बाकी का सामान हम इधर ही इस बैरल में रख देते हैं। ओके तो ठीक है, बाकी का सामान भी रख दिया, अब कॉकरोच हम चलते अपने घर में, तुम लोग यार अपने घर में बैठो और एंजॉय करो। अब्बा पर जाने से पहले बिल्ली अपना दर्द, तुम लोग को इधर आने होंगे। हाँ यार भाइयों आ जाओ, जाने से पहले एक आखिरी बार स्विमिंग हो जाए हमारे नए पॉन्ड में। हे यार देखने में तो गजब का लग रहा है, चलो तो चलते। अरे आ जाओ भाइयों नीचे। ओए तो चल बुढ़ा चलते, एक आखिरी बार हो जाए स्विमिंग। ओए यार ये क्या हो रहा है, हे क्या काट लिया क्या कॉकरोच तुम लोगों को, किसने हमें भी काट लिया भैया। ओए ये क्या था, अरे यार ये क्या था, हे कॉकरोच तुम लोगों ने लगता है अंदर पफर फिश भी डाला है, कोई बोर्ड के अंदर पफर फिश को डालते है क्या, वो बहुत जहरीला होता है। ओए कॉकरोच तुम्हें इतना भी पता नहीं था क्या, रुको मैं उसको मार देता हूँ। अरे यार मार ले उसको, नहीं तो वो हमें मार देगा। यार ये तो पहले दिन गड़बड़ हो गए रे। अरे कॉकरोच तुम लोग को कुछ पता नहीं, यार जाने से पहले हमें यार फार्मिंग भी सिखा के जाओ बिल्ले ब्रदर्स। अरे इसीलिए तो मैं इधर फार्म में आया हूँ, तुम लोगों को मुझे पता था खाने के लिए भी तुम लोगों को एकदम दिक्कत होने वाली है, इसलिए मैं तुम लोग को फार्मिंग कैसे करते हैं वो सिखा देता हूँ, ऐसे करके फार्मिंग करते देखो। बाबर तो इधर अपने आप उग जाएगी क्या खाना पीना। ओए बुढ़वा कैसे ही उग नहीं जाएगा, ओए देख उधर काला हो गया ना, उधर तू अगर सीड प्लांट करेगा ना तभी उगेगा, और इसके लिए पानी भी चाहिए, हमें इधर एक बनाना होगा पानी डालने की जगह, ताकि यार ये एकदम वेट रह पाए। अब इस खड्डे के अंदर हमें पानी डालना होगा कॉकरोचो। अरे पानी पानी तो हमारे पास स्विमिंग पूल में बहुत सारा है। अरे यार उधर तक जाओगे ऐसे ही, ये लो पहले यार इस बाल्टी को पकड़ो, इसको भी ले लो इसमें पानी भरने का, और यार ये सीड भी ले लो, ये सीड को तुम लोग प्लांट करो और उसके बाद वीट मिलेगा तुम लोग को, जिसको तुम ब्रेड बना के खा सकते हो। ये लो क्या ही समझेंगे। अरे समझ गया यार, तो इस तरीके से सीड को प्लांट करना है क्या, अरे यार एकदम मजा आ रहा है। हे भैया इधर पूरा पानी डालने से अच्छा हम इधर यार अनलिमिटेड वाटर रिसोर्सेज बना देते हैं कॉकरोचेस के लिए। अरे अनलिमिटेड वाटर रिसोर्सेज ये क्या होता है भाई। ओए बस देख के जाओ, तुम लोग को इधर चार वाली एकदम चार 2x2 की खड्डा बनाना होगा, उसके बाद इधर से एक बाल्टी पानी और उधर से, ओए तुम लोग तो जान चुके हो। अरे ही ही, ये मुझे थोड़ी बहुत पता था, अरे इधर तो अनलिमिटेड पानी होगा, ये तो यार एकदम सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे यार बिल्कुल सही किए तुम लोगों ने यार बिल्ली ब्रदर्स। हाँ बिल्कुल ऐसे ही काम करना चाहिए, और यार बस इतने से ही खेती बाड़ी से तो कुछ होने वाला नहीं, ये मोटे तो सब कुछ खा लेगा। ये बिल्कुल रे मुझे तो बहुत भूख लगती है रे। तो इसीलिए यार इधर भी यार खेती बाड़ी करने के लिए एक और इधर प्लांट करने के लिए जगह बना देते हैं, और ये समझ लो कि खेती बाड़ी में पैसे रखना चाहिए, बस थोड़ी दिन में ये उग जाएंगे, उसके बाद तुम लोग इसका फसल कर सकते हो, और फिर से सीड जो मिलेगा ना दो चार उसको फिर से यार प्लांट कर देना, और इसी तरीके से तुम लोग अपनी फार्मिंग को दिन प्रतिदिन बढ़ा सकते हो। बिल्कुल ये तो बहुत गजब का आइडिया है, आज जाके सीखने को मिला। हाँ तुम लोगों को वैसे भी हमारे से दूर रह के बहुत कुछ सीखना होगा, स्ट्रगल भी करना होगा लाइफ में, इतना तो हमने सिखा दिया, बाप में चोरी चकारी करने के लिए हमारे घर की तरफ मत आना। अरे नहीं आएंगे यार, ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या। मैं तो मजाक कर रहा था।
अरे मुझे पता था यही बोलेगा तू, इसीलिए मैं बोल रहा था ऐसा मजाक मत किया कर। अरे चलो यार अब मजा ही आ गया। हाँ मजा तो आ गया, लेकिन ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हमें भी अपने घर जाना होगा, खाना वाना बनाना है कॉकरोचो। हाँ जाओ यार, इधर बारिश में रहने से अच्छा है इधर आके बैठते। और यार चलो अब हम लोग चलते। सच में तुम लोग जाने वाले हो क्या? अरे आज रात यहीं पर रुक जाते तो। ओए चल चल, हो गया यार, आज रात के लिए भी नहीं रुक सकते। ओए चल बाय। ओए ओके कॉकरोचो, अपना ख्याल रखना। और यार वैसे तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, चलो भैया चलते। यार कॉकरोचेस के साथ दूर रह गए, आज कुछ अलग सा लग रहा है। अरे वो लोग भी अंदर नहीं जा रहे होंगे। चलो भैया खैर, अब आदत सी लगानी होगी, घर कुछ सुनसान सी हो गई, कॉकरोच गैंग चलने से भैया। और हाँ बोला चल अब सोने के लिए चलते। अरे भैया यार वेट अ मिनट, मुझे भी सुसु लगी है। चलो यार सुसु करके चलते सोने के लिए अब। और खाना भी बना रहा है मुंडा। ये क्या है मुंडा? है क्या पता मुझे भैया, कॉकरोचेस हाउस ऑल्सो, ये तो पहले इधर नहीं था ना। ओए इन लोग का कोई मस्ती होगा, फिर से लगा दी गया। ओए कहाँ से आ गए ये सारा? हे भैया यार बाद में देख लेंगे, अभी बहुत सुसु आ रही है, पहले सुसु करते हैं। भैया ये क्या है? ओए ये क्या है, मुझे पता नहीं होगी, बाथरूम के अंदर ये कहाँ से आ गया? हे भैया आपको याद है कॉकरोच गैंग हमारे घर से निकलने से पहले वो लोग बाथरूम जाएंगे सुसु करने के लिए बोल रहे थे ना? ओए हाँ बुढ़ा बिल्कुल सही, तो ये सभी उन लोगों ने रखा है इधर। भैया देखने से तो वैसा ही लग रहा है, ये सभी सामान, किचन का सामान और ये सभी मेरे जो सामान दिया था ना, कॉकरोच गैंग ने तो इधर ही छोड़ के चले गए भैया। इन लोगों ने इधर क्यों छोड़ा आखिरकार बुड्ढा? हे भैया बाहर बोर्ड में भी कॉकरोचेस हाउस ऑल्सो लिखा हुआ है, लगता है उन लोगों को भी याद आ रहा है हमारे घर का। भैया वैसे भी ये घर बस हमारा नहीं, उन लोगों का भी तो है ना भैया? ओए बिल्कुल सही बोला बुड्ढा। अरे यार मैं बाहर से इतना कड़क लगता हूँ, अंदर से कॉकरोचेस के लिए प्यार तो है ना, तो क्या करे भैया? हर दोस्तों आप लोग भी बताओ यार क्या करे, कॉकरोचेस को फिर से वापस लेके आए क्या अपने घर में?